नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 5 जनवरी 2022 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है बुधवार का है, शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि है। आज का जो योग है वह वज्र है। उस प्रकार जो करण है दिन का वह ग्रह है और जो रात का करण है वह वनि है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 11:11 से लेकर 12:32 तक। उसी प्रकार आज के दिन का जो अभिजित मुहूर्त है वह शुरुआत होगा दोपहर 12:08 से लेकर 12:56 तक। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 12:32 से लेकर 1:52 तक और यमगंड काल सुबह 8:29 से लेकर 9:50 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा मकर राशि में भ्रमण करेगा और शाम 7:54 के बाद यह चंद्रमा कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आज के दिन शुक्र और नेपच्यून का लाभ योग भी होने जा रहा है। यह अग्रस्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 7:54 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। आपके भाग्य भाव में से शुक्र के साथ आपके लाभ भाव का जो नेपच्यून है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो काफी अच्छा दिन है आपके लिए। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो वहां पर का जो समय होगा वो काफी अच्छे तरीके से बीतेगा। शाम का जो समय है उसमें आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ मुलाकात हो सकती है, गपशप हो सकती है, कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी आज के दिन काफी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में काफी अच्छी हारमोनी देखी जाएगी। कुछ अच्छे लाभ होने के चांसेस भी आज के दिन काफी अच्छे बन रहे हैं। तो दिन काफी अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 7:54 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। आपके अष्टम भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके दशम भाव का जो नेपच्यून है वो लाभ योग करने जा रहा है। काफी अच्छा दिन है आपके लिए। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते हो। जिस महत्वपूर्ण काम पर आप विचार कर रहे हो वो प्रत्यक्ष रूप में आज आप ला सकते हो। उसी प्रकार शाम के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा आप बिजी हो जाके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कई जो काम है वो हाथ में ले लोगे। उसी प्रकार पिछले कई दिनों से अगर आप किसी विषय पर बहुत ज्यादा विचार कर रहे हो, प्रत्यक्ष रूप में लाने की संभावना है आपके मन में, खास करके आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, तो उस संदर्भ के जो बातें हैं वो हो सकती है। तो काफी अच्छा दिन है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। आज आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि का अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 7:54 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके भाग्य भाव का जो नेपच्यून है वह लाभ योग करने जा रहा है। काफी अच्छा दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो आज के दिन कुछ अच्छे फायदे वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। शाम के बाद का जो समय है, मतलब शाम करीबन 8 के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफी अच्छा होगा। जो भी स्ट्रेस या टेंशन पिछले 1-2 में आपके मन में हो रहे थे वो काफी महीनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 7:54 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। आपके षष्ठ भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके अष्टम भाव का जो नेपच्यून है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो काफी अच्छा दिन है आपके लिए। खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आज आपके हारमोनी काफी अच्छी देखी जाएगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी कई जो बातें पिछले कई दिन में छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे या फिर उनके सेहत के बारे में छोटी मोटी बातें हो रही थी
वो भी काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आज आपका जो मूड है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में, घर के जो लोग हैं उनके मामले में भी आज का जो दिन है काफी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे, वहां पर के जो सहकर्मी होंगे, उनसे भी आपके जो रिलेशनशिप वो काफी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 7:54 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। आपके पंचम भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके सप्तम भाव का जो नेपच्यून है वह लाभ योग करने जा रहा है। काफी अच्छा दिन है आपके लिए। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आज के दिन आपके आपको मिल सकती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो काफी अच्छे लाभ आज के दिन आपको मिल सकते हैं। आज के दिन थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है। जो भी महत्वपूर्ण काम है इसके ऊपर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आज के दिन आप ले सकते हो। उसके संदर्भ में कुछ अच्छी बातें भविष्य में जाकर आप अनुभव कर सकते हो। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए आज आपको कॉन्फिडेंस काफी अच्छा देखा जाएगा। शाम के बाद का जो समय है उसमें आप अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। तो दिन काफी अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 7:54 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। आपके चतुर्थ भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके षष्ठ भाव का जो नेपच्यून है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है किसी भी प्रकार की हो वो आज के दिन आप दिन में पूरी कर लेना, वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार शेयर मार्केट से अगर आप डील करते हो तो भी आज का दिन काफी अच्छा देखा जाएगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर आप दोनों में काफी अच्छी हार्मनी देखी जाएगी। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो पूरा दिन है वो आपके लिए काफी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। आज के दिन आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है। कुछ नए इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आज के दिन होने की संभावना काफी अच्छी बनती है। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 7:54 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। आपके द्वितीय आपके तृतीय भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके पंचम भाव का जो नेपच्यून है वह लाभ योग करने जा रहा है। आज संपूर्ण जो दिन है थोड़ा बहुत आराम में बीतेगा। थोड़ा बहुत आप आराम करना पसंद करोगे, घर पर रहना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी। शाम के बाद का जो समय है वो आपके लिए थोड़ा आप एक्टिव हो जाओगे। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां उनसे मुलाकात होना या फिर उनसे आपके जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर आपके रिलेशनशिप में आए थे तो काफी मायने में नॉर्मल भी हो जाएंगे। आज के दिन आपका घूमना फिरना भी थोड़ा हो सकता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दिन आपके लिए काफी अच्छा और महत्वपूर्ण है। जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार से आज का दिन बीत सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 7:54 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। आपके द्वितीय भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो नेपच्यून है वह लाभ योग करने जा रहा है। काफी अच्छा दिन है आपके लिए। आज संपूर्ण दिन आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। जो भी काम हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। जो भी महत्वपूर्ण काम है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र से वो आप कर सकते हो, वो पूरे होने की संभावना भी काफी अच्छी बनती है। छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी आज के दिन आपकी हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आज आपकी हारमोनी काफी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि उनके लिए कुछ खर्चे वगैरह करने पड़ सकते हैं लेकिन वो आपको करने ही होंगे। आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो भी आज के दिन काफी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके तृतीय भाव में स्थित यह जो धनु राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 7:54 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि में स्थित शुक्र के साथ आपके तृतीय भाव का जो नेपच्यून है वह लाभ योग करने जा रहा है। काफी अच्छा दिन है आपके लिए। पैसे के मामले में कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है। पिछले कई दिनों से अगर आपके स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम आ रहे थे तो आज के दिन काफी मायने में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। आज आपका जो कॉन्फिडेंस है वह भी काफी अच्छा देखा जाएगा। आज के दिन कहीं घूमना फिरना भी हो सकता है। तो दिन बहुत ही अच्छा है। पैसे के मामले में कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 7:54 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। आपके वैय भाव में से शुक्र के साथ आपके द्वितीय भाव का जो नेपच्यून है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो आज आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर भी आपके आप में
आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हैं तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। तो दिन काफी अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 7:54 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। आपके लाभ भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके राशि में स्थित नेपच्यून का नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो काफी अच्छा दिन है आपके लिए, खास करके किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या टेंशन आज के दिन आपको नहीं रहेगा। अगर आप इसके रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों में काफी अच्छी हार्मनी देखी जाएगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आज आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। आज आपका जो मूड है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। खास करके दिन भर में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, आप उस पर सोच विचार कर सकते हो, लेकिन जो भी निर्णय लेने हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन करने हैं वो आप शाम के बाद कर सकते हो। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं, मन शांति जिसे हम कहते हैं वो भी आज के दिन आपको मिल सकती है। तो दिन बहुत ही अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 7:54 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। आपके दशम भाव में से शुक्र के साथ आपके व्यय भाव का जो नेपच्यून है वह लाभ योग करने जा रहा है। आज के दिन आपको कुछ अच्छे लाभ, अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। आपके जो मित्र परिवार है उनसे मुलाकात हो सकती है, उनके साथ चर्चा हो सकती है, उनके साथ गपशप हो सकती है, दिन काफी अच्छे तरीके से निकल सकता है। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप दिन भर में हाथ में ले सकते हो, लेकिन शाम के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा सा आप स्ट्रेस या टेंशन में आ सकते हैं, लेकिन वो जो स्ट्रेस या टेंशन होगा वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो संपूर्ण दिन आपके लिए महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी भी साबित होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 5 जनवरी 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने इसका अनुभव किस प्रकार से लिया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।